कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। देखिए देखिए इस प्रकार की बयानबाजी स्टेशन को दर्शाती है। हम हर तरह से सब समाज को साफ लेकर के चलते हैं और किसी को कोई असुविधा न हो, कष्ट न हो, किसी को कोई हम ऐसी मानसिक क्षति न पहुँचाए जिससे मानसिक कष्ट न हो, इस प्रकार की बयानबाजी को मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता। और जो हिंदू धर्म के लोग हैं ऐसे लोगों को जरूर समय आने पर जवाब। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो बीजेपी विरोधी। मैं आपको समाजवादी पार्टी सत्ता में चार बार प्रदेश में रह चुकी है और जब जब इस सत्ता में रहती है तो केवल अपने घर को देखते हैं और कुछ लोगों को देखते हैं जो जिनसे ये पैसा लेते हैं। जितनी नौकरियां मिली है आप देखते जा करके सब धनवाही करके जुड़े नौकरियां। मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। और हमारे यहाँ जिस प्रकार की बयानबाजी अब कर रहे हैं, जब सत्ता में थे तब कहाँ थे और इनके पास कुछ बचा नहीं है, केवल घर भर बचे हैं वही प्रचार में लगे हैं और कोई बचा नहीं। मंत्री जी, कानपुर में डबलिन महिला अस्पताल, मुझे आपने बताया हम इसकी जाँच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या घोसी के चुनाव को देखते हुए, घोसी का जो चुनाव हो रहा है इसके राष्ट्रीय स्तर पर मायने निकाले जाएंगे, क्या ये सेमीफाइनल है? देखिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से, हम स्थानीय निकाय चुनाव को भी गंभीरता से लिए हैं, हम उपचुनाव को भी गंभीरता से लेते हैं और घोसी उपचुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। प्रचंड बहुमत से अगर जीत रही है सर तो पूरी टीम को क्यों आना पड़ा? आप ये बताइए हम किस चुनाव में पूरी टीम से, स्थानीय निकाय चुनाव में जहाँ विपक्षी नेता घरों से नहीं निकले, हम 45-48 डिग्री टेम्परेचर में रोज 4-4 मीटिंग करते हैं। आप देखिए जरा फुटेज निकाल कर, हम हर चुनाव को जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और हम जनता से जी नहीं चुराते। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो कुकृत्य किए हैं अपने शासन काल में, प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। शिवपाल यादव लगातार कह रहे हैं, आप जानते हैं, देखो आप भैया जानते हो इन लोगों का हाल सब जानते हो, आपस में कुर्सी के लिए युद्ध करते हैं घर में और फिर आते हैं जनता के पास, इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप अच्छी तरह जानते हो कि उनके साथ क्या सपा ने किया था और क्या घटनाक्रम हुआ था, हम दोहराना नहीं चाहते। पीडीए और इंडिया में क्या फर्क? कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक छद्म नाम धरे हैं, ये पिछले बार का जो यूपीए 1 और 2 था उसी के हैं, ये नई पैकिंग में पुराना माल है और जनता सबको जानती है। कोई नया नेता जुड़ा होता हो भैया आप भी जानते हो, पुरनका ने बांटे सर। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।